दीपावली के बाद से कोरोना संक्रमण बढ़ने के भय से प्रशासन पहले से ही सतर्क हो गया है। प्रशासन की ओर से शहरी जनों को बार बार कोरोना की गाइडलाइंस पालन करने की अपील की जा रही है। इसी सिलसिले में 26 तारीख को दोपहर सूरत महानगर पालिका के मुख्यालय में पालिका कमिश्नर बच्चादनी पानी ने टेक्सटाइल मार्केट और हीरा उद्योग के प्रतिनिधियों और अग्रणियों के साथ ऑनलाइन वीडियो पर मीटिंग का आयोजन किया था। मीटिंग में कमिश्नर ने बताया कि दीपावली त्योहार के बाद कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसके साथ ही ऑक्सीजन और वेंटिलेटर वाले मरीजों की भी संख्या बढ़ रही है। इसमें 50% मरीजों के मामले टेक्सटाइल और हीरा उद्योग तथा अन्य उद्योगों से जुड़े हैं। कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में सूरत महानगर पालिका की ओर से हर इंडस्ट्रीज में बनाई गई सुरक्षा कवच समिति का रोल महत्वपूर्ण हो गया है। पालिका कमिश्नर ने सभी उद्योगों के अग्रणियों को कुछ बिंदुओं पर खास ध्यान रखने को कहा है। हीरा और टेक्सटाइल उद्योग के अग्रणी सुरक्षा कवच समिति का नेतृत्व कर रहे हैं, कोरोना वायरस की गाइडलाइंस का पालन करें और अन्य लोगों से करवाएं। कपड़ा बाजार में आने वाले लोगों से मास्क पहनने का अमल करवाएं तथा दुकानों में आने वाले कर्मचारियों से भी मास्क पहनने को कहें। इसके लिए मास्क का वितरण भी करें। हीरा उद्योग और एयर कंडीशन लगातार चलने के कारण भी कोरोना बढ़ रहा है। हीरा और कपड़ा मार्केट में वेंटिलेशन की सुविधा होना जरूरी है। दीपावली के बाद अन्य राज्यों से गाँव गए श्रमिक वापिस आ रहे हैं, ऐसे में सभी श्रमिक कोरोना का टेस्ट करवाएं और कोरोना वायरस टेस्ट नेगेटिव हो तो ऐसे संजोग में RT-PCR टेस्ट करवाएं। दोनों टेस्ट नेगेटिव हो इसके बावजूद सर्दी खांसी और बुखार जैसे लक्षण हो तो काम पर नहीं आवें। अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कराएं। आगामी दिनों में यदि कोरोना का वैक्सीन उपलब्ध होगा तो 50 वर्ष से अधिक व्यक्तियों को पहले दिया जा सके, इसलिए उनका डाटा सरलता से हासिल करने के लिए सुरक्षा कवच समिति प्रतिदिन पालिका के पोर्टल पर जानकारी अपलोड करें। टेक्सटाइल मार्केट और हीरा बाजार में तथा शहर के प्रवेश द्वार पर कोरोना वायरस के लिए सेंटर बनाए गए हैं, उसका महत्व उपयोग करें। इस मीटिंग के दौरान टेक्सटाइल प्रोसेसर एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन तथा डायमंड इंडस्ट्रीज के अग्रणी भी शामिल हुए। सुरक्षा कमेटी, स्वास्थ्य सुरक्षा कमेटी जो SMC ने सबको गठन करने के लिए कहा है, SMC ने भी बनाया है और हमें सबको कहा है कि आप लोग भी अलग अलग कमेटियाँ बनावें और तरह तरह की बातों पर, सुधार की बातों पर चर्चा करें। इसका साउथ गुजरात टेक्सटाइल ट्रेडर एसोसिएशन, हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया इस काम को कि भाई हर मार्केट में जावें और एक जागरण अभियान, ये हमने जागरण अभियान किया है, सबको जगाओ, सब लोग तैयार हों, सब उठें, मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको समझावें, मास्क लगावें, मास्क बंटवावें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मास्क लगाना, जैसा कि समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मास्क लगाना। उसके बाद में दूरी रखना, 2 गज की दूरी रहेगी, मास्क लगा रहेगा तो 100% कोरोना का भय नहीं रहेगा। व्यापारी ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, फ़ोन से भी काम हो रहा है, इसका बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। दिवाली के पहले भी बहुत ज़्यादा व्यापारी नहीं आ रहे थे, फ़ोन पे ही काम हो रहा था और बहुत अच्छा काम हो रहा था और अभी भी आगे जो सीजन है वो काम अच्छा ही होगा, हमें उम्मीद छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, व्यापारी बाहर वाले डरे हुए हैं, उनको ये समझाना होगा कि भाई वहाँ से आप निगेटिव की अपनी रिपोर्ट लेकर के आवें साथ में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।